स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। मेरा नाम अनिल कुमार, आप देख रहे हैं गूगल व्लॉग। और आज आए अपन हैं अयोध्या, और अपन आए हैं सरयू स्नान करने, और फिर अपन जो है बैठक ही चलेंगे। तो करते हैं स्नान। तो अभी हो गई दोपहर और अपन जा रहे हैं अयोध्या भ्रमण पे, और तो फिर चलते हैं। पांच जगह हमको दो दो लगा हुए होगा। वो आगे की तरफ से देखो बैठे हैं। ये वो दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, तो उनको यज्ञ में सू जो खीर को दियो तो फिर उनसे ये पुत्र भय। चार पुत्र भय, हाँ चारों एक ही दिन भय। ये क्रम से ये कथा है पूरी। हाँ, और फिर आपके पालना को दर्शन। ये सब भरत जी आए अब। अब ये कई के हाँ जी आपको पकड़ लिया मंत्र है। हाँ। जी वापस पधारे वन में पधरा हुए। शिव धनुष को तोड़कर सीता माता को विवाह करके उनका डोला पालका यहाँ पे उतारा गया। काशीपुरी से अन्नपूर्णा माता आई, सीता माता के रसोई घर में 56 प्रकार का भोग बनाया, पूरे परिवार को भोजन करने के लिए दिया गया। तो केकई माता ने सीता माता को मुंह दिखाई में सोने का महल कनक भवन गिफ्ट में दिया। सुमित्रा माता ने नौलखा हार दिया, कौशल्या माता ने जूड़ा मणि दिया, और दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया। लोग पहले राम राम बोलते थे, दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया, आज से राम कोई नहीं बोलेगा, पहले सीता फिर राम। तब से सीता राम भजन पूरे संसार में चलता चला रहा।
निकलेगा यही खड़े हो जाना ये मोड़ पे, ये निकलने वाला रास्ता। चप्पल उप्पल पहन के जाएंगे। राम दरबार मोबाइल घड़ी पेन गुटका पान मसाला दवा चाबी हो तो ये सब निकाल दीजिए, ये सब लाकर है उसमें जमा कर दीजिए। आइए चलिए कोई ना मिया प्रणाम बोले बाबा मैया जी से कहे अनुभव मैया जी से कहे अनुभव प्रणाम सत सब सपना। आगे है कनक भवन। तो अब वहाँ पे शिवाचार्य जी की बैठक जी अयोध्या में है, जो कि सरयू के तीर पे है, गुसाई घाट पे है। तो वाको चरित्र वाको महात्म्य यहाँ प्रकार है कि एक बार शिवाचार्य जी जो है अयोध्या में एक स्थल दर्शन करवे गए थे, तो वहाँ पे वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही थी, तो वहाँ श्री हनुमान जी जो हैं वो श्रवण कर रहे थे। तो हनुमान जी ने शिवाचार्य से पूछी कि भाई आप तो कृष्ण उपासक हो, तो आप श्यामचंद्र जी की जो भूमि है वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? तब श्री आचार्य जी ने कही कि भाई हम तो श्री कृष्ण की ससुराल में आए हैं, तो ये ससुराल है यूँ करके हम आप यहाँ पे आए हैं। फिर हनुमान जी ने कही कि भाई आपने आपको ससुराल क्यों कही अयोध्या को? तो आप श्री ने कही कि भाई श्री कृष्ण अवतार के समय में अग्निजीत जो अयोध्या के राजा आते हैं उनकी पुत्री श्री सत्या जी सू ब्याह श्री कृष्ण को भयो, तो या लिए हुई उनकी ससुराल है। फिर आके बाद श्री आचार्य जी जो है श्री रामचंद्र जी के बैठक में पधारे, वहाँ पे आप पधार के आपने मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः या प्रकार से आपने नमन कियो, तो हनुमान जी भी वहीं पे खड़े रहते, तो उन्होंने सुनो तो बड़ा संदेह भयो, पर ये बात उन्होंने अपने अंतकरण में ही रखी, कोई से पूछी नहीं। फिर शिवाचार्य जी अपने जो बैठक में पधारे, तो अब ये उनकी मन की बात जो हनुमान जी के मन की बात श्री रामचंद्र जी जान गए, तो उन्होंने कोई सामग्री दी और कही कि भाई शिवाचार्य जी को दे के आ जाओ। तो जब शिवाचार्य जी को देवे आए, तो वहाँ आपने देखे कि श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को आचार्य जी धारण करके वहाँ ठाणे हैं। तो फिर हनुमान जी ने उनको दंडवत करी, फिर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आके सब वृत्तांत कही। तब रामचंद्र जी ने कही कि भाई वो तो मेरा रूप धर लेंगे, लेकिन मेरे से उनको रूप नहीं धरो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र जी जो हैं वो पुरुषोत्तम के हास्य स्वरूप हैं, हास्य के अवतार हैं, और श्री आचार्य जी वही श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को मुखारविंद को स्वरूप है। यह प्रकार से आचार्य जी के बैठक को चरित्र वहाँ आपने सो जो दिखाया हो। यह प्रकार से अयोध्या में अनेक स्थल भ्रमण किए और श्री रामलला के दर्शन किए, जो कि दर्शन करके बहुत बहुत आनंद आ गए। पर अब इच्छा ऐसी है कि भाई अब जो नया मंदिर बन रहा हो, जो कि मुख्य जो स्थल है आपको प्रागट्य स्थल जन्मस्थल, वहाँ जल्दी से वो बन जाए मंदिर, तो वहाँ जाके दर्शन करें, क्योंकि अभी तो जो है दूसरी जगह पधरा के वहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी में ऐसे दर्शन भय। अब बस जल्दी से नया मंदिर बने और जल्दी से वहाँ पे जाके दर्शन करें जहाँ पे आपको जन्मस्थल है। मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी, अपन अनेक स्थलन में जावे, हमने अनेक स्थल गए, अनेक तीर्थ गए, लेकिन जैसे मथुरा में एक अपने घर जैसा लगे, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी कृष्ण की नगरी है, तो एक यहाँ पे आवे जब भी तो अपनापन सा लगे। ऐसे ही अयोध्या में जब हम गए, वहाँ जब रुके, तो वहाँ वही फीलिंग, मतलब वही वाइब्स के हमें के आ रही थी जो हमको यहाँ बैठे हुए, मतलब अपनों ही पना लग रहा था श्री रामचंद्र जी की भूमि में जाके, और बहुत ही अंदर से जो आनंद आ रहा था ना, सच में वो वर्णन नहीं कर सके। अनेक जगह गए लेकिन वो आनंद वहाँ और ऐसा कभी भी नहीं लगे, लेकिन रामचंद्र जी की भूमि में आके वो जो आनंद है ना, वो सच में कह नहीं सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ब्लॉग, तब तक के लिए राधे राधे।